हेलो सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो में ड्रैगन अरेना के बारे में बताऊंगा बिल्कुल डिटेल वीडियो, कैसे कैसे पॉइंट्स लेना है, कहां कहां से आपको पॉइंट्स कितना कितना मिलता है, ठीक है। तो सारा कुछ मैं बताऊंगा, तो यार कृपया करके ना ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको बार बार मुझे बताना ना पड़े या किसी की कोई क्वेश्चंस ना रहे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता देना चाहूँगा, जो जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं, जो जो इस वीडियो पर नए आ रहे हैं, वो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और जो पुराने वो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे अपने टीम मेट गिल्ड मेट के साथ, जो भी उनका पर्सनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो चलो यार, बाकी अगर आप चाहते हो तो चलो इसमें मैं एक स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊँगा, जिसमें मतलब कि आपकी गिल्ड पूरी गिल्ड के लिए एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आप जीत सकते हो ड्रैगन अरेना का मैच। जैसे कि हमारा ड्रैगन अरेना का स्लॉट आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो ये स्लॉट है कल रात के 12 बजे का, ठीक है। तो मैं शायद कल मैं नहीं खेल पाऊँगा, तो इसकी वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगी, मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बट मैं आपको एक मतलब तरीका बताऊँगा जिससे अगर आप छोटी गिल्ड भी हो ना तो भी आप इजीली जीत सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले देख लो, डिटेल समझ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि करना कैसे प्ले करना पूरे गिल्ड के। ये चीज़ मेनली उनके ऊपर डिपेंड होगा जो गिल्ड के बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। ऐसा टिप्स बताऊंगा कि गिल्ड अगर आप गिल्ड में बताते हो या खुद का आपका गिल्ड है तो अपने गिल्ड के बड़े प्लेयर्स को कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, क्या नहीं है, मतलब सारा सिस्टम मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो चल ज़्यादा देर ना करते हो, पहले हम शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या है, अगर हम आई पे क्लिक करते हो हमारे को सारी डिटेल्स मिल जाती है। अब इतना सारा बायो डेटा आपको पढ़ने के लिए पता है कितना टाइम लग जाएगा, है ना, तो हम इतना सारा नहीं पढ़ने वाले हैं, तो नॉर्मल पॉइंट्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट्स देखते हो, जो कैरेवन है वो क्या करता है, ठीक है, जब कैरेवन पहुँचता है, ठीक है, जैसे आप किसी बिल्डिंग के पास हो, ठीक है, पहले तो सिटाडल का ये रहा और स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है, सिटाडल एक ही है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाते हैं, मतलब चारों कोने पे जो है वो सिटाडल है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है। तो अब देखो पहला क्या, जब जैसी कैरेवन पहुंचता है वैसी आपको गिल्ड को 9000 पॉइंट्स मिलते हैं, और आपको सोलो में मतलब 3000, जितने भी बंदे उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को होल्ड के अंदर अपनी आर्मी भेज, जिनकी आर्मी उसके अंदर होती है, ये नहीं कि जा रही होती है, ऑलरेडी जा चुकी होती है कैरेवन के पहुंचने से पहले, ठीक है, तो उसको पॉइंट मिलता है, ठीक है, 3000। अगर आप सिटाडल में हो तो 15000 गिल्ड को मिलता है और 4000 प्लेयर को मिलता है, जो जो वहाँ पर रेनफोर्स कर रखे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेनिफिट है, ठीक है, कैरेवन का बता दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है हमारा, जस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो पहले सिटाडल आता, तो सिटाडल हमें कितना पॉइंट देता है आपको देख सकते हो, है ना, ऑक्यूपेशन टाइम एंड एक मिनट में 6000 पॉइंट्स देता है सिटाडल आपको, ठीक है, फर्स्ट टाइम में मतलब 6000 देता है, और सोलो पॉइंट्स मतलब गिल्ड को फर्स्ट टाइम पे 6000 देता है, और गिल्ड सोलो में आपको 1800 मिलता है, ठीक है। और क्या है, अब ऑक्यूपेशन टाइम, जैसे आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, फर्स्ट टाइम ऑक्यूपाई किया तो आपको तो 1800 पॉइंट्स मिल ही गए, ठीक है, गिल्ड को 6000 मिल ही गए। उसके बाद क्या होता है ना कि टाइम के हिसाब से चलता है, 1200 पर मिनट मिलते हैं पॉइंट्स गिल्ड को, और 360 पॉइंट्स पर मिनट मिलते हैं प्लेयर्स को, जो जो वहाँ पर रेनफोर्स कर रखा होता है। तो यार सिटाडल मैं दिखा देता हूँ एक बार, सारा कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली देखो ये मैप है पूरा ड्रैगन अरेना का, तो आप खुद भी पढ़ पा रहे हो, लास्ट में देखो ये रहा सिटाडल, ये रहा सिटाडल, ये रहा एंड ये रहा, 4 सिटाडल हो गए, ठीक है। बाकी है जितने बिल्डिंग बचे हुए जितने, ये सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में आते हैं, तो इस चीज़ का याद रखना आप, ठीक है। तो उसको पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट नॉर्मली आपको बता देता हूँ, उतना पढ़ने का टाइम कहाँ है, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको टिप्स भी बताना है कैसे आप जीत सकते हो मतलब पूरे गिल्ड के लिए, ये तो सिर्फ आपके लिए टिप्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्टली आपको मेन ना दो बिल्डिंग्स का फोकस करना, दो बिल्डिंग्स पर फोकस करना है, और तीसरी चीज़ फोकस करनी है कैरेवन के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सिटाडल्स पर फोकस करो, जितने सिटाडल्स है 1 2 3 और ये 4, ये चारों सिटाडल्स पे आपको फोकस करना है पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आपको इन पे आपके ट्रूप्स होने ही चाहिए। आपने मेरी ड्रैगन अरेना वाली सारी वीडियो देख लो जितनी है, उसमें देख लो यार, सिटाडल पे मेरी हमेशा आर्मी रहती है, बाकी कहीं रहे या ना रहे। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने आर्मी दे दी, ठीक है, उसके बाद अगर आपको देनी तो एंशिएंट पे, तो ठीक है ये 4 ये भी है, मेरे में तो 6 है, बट आपके में 6 ही है ना, मेरे में कितने 3 4 5 5 है, मतलब मेरे में है ना 5 ही है ना, मतलब 4 होते हैं आप सबके में,
चाहे जितने भी हो वो मैटर नहीं करता, किसी में एक दो भी होते लो लेवल पे हो तो, बट हाँ उसके बाद आप एंसेंट पे फोकस करो। अगर एंसेंट पे नहीं कर पा रहे तो हॉट स्प्रिंग पे फोकस करो, ठीक है। हॉट स्प्रिंग ये रे तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये दो चीज़ मैंने। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे अगर आप ध्यान देते तो ये भी बेस्ट है, क्योंकि सबसे कम पॉइंट देता है आपको ये ट्रांसपोर्ट, सबसे कम पॉइंट्स देता है। और स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग तो उसके साथ है, ठीक। ट्रांसपोर्ट आपको सबसे कम पॉइंट्स देता है इस बात का। अभी देखो मेरे में क्या हॉट स्प्रिंग है और एंशियंट है, ठीक है। मेरे में एक बिल्डिंग नहीं है, पता कौन सी, जस्ट अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं बताना मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब मैक्स लेवल पे है, ठीक। तो एक बिल्डिंग में बता दो कौन सी बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। क्या कह रहा था मैं, कैरेबन ट्रांसपोर्ट रिमूव्स एंड रिक्वायरमेंट, नहीं पॉइंट्स में ही चले जाते हैं हम। सिटाडल है, उसके बाद क्या हॉट स्प्रिंग है, एंसेंट है, ट्रांसपोर्ट है, आउटपोस्ट नहीं है मेरे में, ठीक है। ये है आउटपोस्ट नहीं है मेरे में, तो आपके अगर आप लो लेवल पे होंगे ना तो आपको आउटपोस्ट भी मिलेगा। तो आउटपोस्ट के पॉइंट्स कुछ इस प्रकार के होंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट के पॉइंट्स है ना वैसे आउटपोस्ट के होंगे। क्या सोलो में ही काउंट 240 पॉइंट्स पर मिनट मिलेंगे, 240 गिल्ड को भी 240 टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, और सोलो पॉइंट्स गिल्ड पॉइंट्स सारे इक्वल है इन दोनों के, ठीक है। उसके बाद हम उससे ऊपर, जैसे कि मैंने बताया हॉट स्प्रिंग आता है, तो हॉट स्प्रिंग वगैरह वगैरह एंशियंट और हॉट स्प्रिंग है ना दोनों यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मैं समझा देता हूँ। देखो ये हॉट स्प्रिंग है, ये एंशियंट है, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि अब फर्स्ट टाइम ऑक्यूपेशन का देख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। 3000 पॉइंट्स गिल्ड को और 1500 सोलो पॉइंट्स, बाकी टाइम देख सकते हो। ऑक्यूपेशन टाइम गिल्ड को मिलता है 600 पॉइंट्स पर मिनट और 300 सोलो, यही दोनों का सेम है, ठीक है। अभी और भी आगे भी बताएंगे हम। उसके बाद क्या आता है, फिर सिटाडल का मैंने बता ही दिया था आपको, कैरेबन बता ही दिया। अब मेन बात करते हैं ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं ना ये हमें बूस्ट भी देते हैं, एक एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं ये बिल्डिंग्स। अरे ये जो भी सिटाडल हॉट स्प्रिंग वगैरह ये एक्स्ट्रा बूस्ट भी देते हैं हमें, ठीक है। स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, देख सकते हो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से भी आप देख सकते हो। देख सकते हो सोलो में आपको मिलेगा 600 पॉइंट्स पर मिनट, ठीक है। ये गिल्ड को मिलेगा मतलब है ना, और सोलो में 300 और 1500 मिलेगा गिल्ड को ऑक्यूपेशन फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हीलिंग स्पीड बूस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो हीलिंग के लिए भी बेस्ट रहेगा, बाकी आप मैं फिर से यही दिखा देता हूँ सारा कुछ आपको। मेनली सबके नाम याद होने चाहिए, ठीक है, थोड़े थोड़े। तो पॉइंट्स में गए, यहाँ पे गए, अब हम सभी के एक एक करके देख लेते हैं। जस्ट नॉर्मल एंसेंट 50% का देता है अटैक, आर्मी अटैक, और क्या है हॉट स्प्रिंग कितना देता है 50% का हीलिंग बूस्ट, बाकी देख सकते नीचे कुछ मजेदार, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाते कुछ नहीं, बस ये दो बिल्डिंग आपको बूस्ट दे रहे हैं। पहले तो सारे बिल्डिंग देते थे, रन 5 ट्रांसपोर्ट, रन फर्स्ट ऑक्यूपायर, ग्रांट अनदर 1 ट्रांसपोर्ट पर मिनट ऑक्यूपेशन जो भी है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ समझिए, अब मैं आपको बताता हूँ आपको पॉइंट जल्दी जल्दी बनाने के। देखो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन देता है, सबसे ज़्यादा पॉइंट देते हैं सिटाडल्स, ठीक है। उसके बाद क्या देता है, हॉट स्प्रिंग पे चले जाओ या एंसेंट पे चले जाओ, दोनों दोनों ही ठीक ठाक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है, इन तीन बिल्डिंग्स पर फोकस करना है, ठीक है। जब भी कैरेबन आए इन तीनों में से किसी एक के पास आपके पास होने चाहिए उसके पहुँचने से पहले, ठीक है। जैसे कैरेबन आता है तो ग्रीन लाइनिंग आपको दिखती है ना ऐसे ऐसे चलते हुए, टक 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 करके चल रही होती है ग्रीन लाइन है। तो उसके यहाँ पे देखो आपको क्या मिलता है, देखो जैसे मान लो कैरेबन यहाँ से मूव कर रहा है यहाँ पे गया, ठीक है। फिर यहाँ से कैरेबन का रास्ता ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसे 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 यहाँ तक आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो कैरेबन का ये रास्ता है ना, तो जब तक कैरेबन यहाँ पे है ना यहाँ पे, तब तक ये दोनों लाइन दिखेगा आपको, ये और ये दोनों लाइन दिखेंगे आपको, ठीक है। जब ये लाइन मान लो मिट गया तो समझ लो कैरेबन यहाँ से मूव कर चुका है इस इधर की ओर, किधर की ओर, हॉट स्प्रिंग की ओर मूव कर चुका है, तो वो आपके काउंटिंग में नहीं आएगा अगर उसके बाद आपका यहाँ पे पहुँचेगा तो ट्रूप्स। बट कोशिश करना आपके ट्रूप्स यहाँ पे इस लाइन के होते हुए ही पहुँच जाए, ठीक है। हाँ जी, मतलब एंशिएंट 2 पे एंशिएंट पे पहुँचने से पहले आपकी आर्मी पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। तो सोलो पॉइंट्स आप ऐसे जल्दी करोगे कि ये सारे पे मेन जो मैंने बताया उनके ऊपर आपके पास आपकी आर्मी होनी चाहिए तैनात, ठीक है, हमेशा ही। उसके बाद क्या है, बाकी आप अगर देख सकते हो तो मेरी वीडियोस देख लेना, उससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कैसे कैसे मैं पॉइंट, इसीलिए मैं अपनी वीडियो डालता हूँ ताकि उसको देखकर आपको पता चले कि पॉइंट्स कैसे कैसे अर्न किए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं गिल्ड के बारे में, ठीक है। जैसे आपका गिल्ड है तो आपके गिल्ड में चाहे छोटा ही गिल्ड क्यों ना हो, ठीक है गाइस, अब छोटा गिल्ड हो चाहे बड़ा गिल्ड हो, प्लेयर्स तो छोटे बड़े भी होते हैं ना,
चाहे आप किसी भी रैंक पे हो गिल्ड फेस में, मतलब किसी भी उस पे, तो आपको क्या करना है, जस्ट देखो आपके गिल्ड में जो भी बड़े प्लेयर होंगे, जो रैली लीडर्स होंगे, ठीक है, जिनके गियर्स वगैरह अच्छे होंगे, समझ रहे हो ना, उनको क्या करना, पहले तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, सभी पे, जैसे आपका कोई बड़ा, सबसे बड़े प्लेयर जो, सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे वन से स्टार्ट करता है लेवल वन के, मतलब रैंक वन का, तो उसको बोले एक सिटेडल को कैप्चर करेगा, ठीक है। मैच शुरू होते उसको कहीं मत जाने दो, जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे अपनी अपनी आपको सिटेडल वो कैप्चर करना है तो है मैच, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे चार हो गए, फिर पांचवें नंबर पे जो आता है उनको एंसियंट दे दो, लो भाई तुम्हारा एंसियंट, तुम्हारा और कुछ काम नहीं, इसको फोकस करना है। कोई एक एक देना, सारे मत देना, कहीं एक ही बंदे के अंडर में सारा दे दो, नहीं, एक एंसियंट दे दो, बाकी तुम जो मर्जी करो, ये तुम्हें कैप्चर करके रखना। फिर अगले को दे दो हॉट स्प्रिंग्स दे दो, ठीक है। बस ये तीन बिल्डिंग को आपको कैप्चर करना, जैसे मैच स्टार्ट हो ना, भट्ट से सारे बंदे अपनी अपनी पोजिशन पर पहुँच जाए, जो जहाँ पे जो सिटाडल वन पे गया सीधा सिटाडल वन पे यहाँ आके बैठ गया, जैसे खुला ले भाई आर्मी, ठीक है। तो ये चीज़ करो, जैसे हमारे भी एक वीडियो में आपने देखा होगा, सडनली जैसे मैच हो सडनली सभी हमने ऑक्यूपाई कर लिया था, उसी वजह से वो मैच हम जीत पाए थे, नहीं तो नहीं जीत सके, क्योंकि वो मतलब गिल्ड हमसे बहुत बड़ा था, हमारे से डेढ़ गुना ज़्यादा पावर थी उस गिल्ड की, समझ गए, बट फिर भी हम जीत गए थे इसी वजह से। तो ये हमारा रीज़न, बाकी हमारे गिल्ड मेट ना थोड़े हर चीज़ में थोड़ा ना वो करते, जैसे गिल्ड शो डाउन वगैरह खेलना हो तो उसके लिए भी ठीक ठाक स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं। तो अगर ये स्ट्रेटेजी मेरी यूज़ करोगे ना गिल्ड वाली, तो आई होप आप जल्दी जीत जाओगे, ज़्यादा जीतोगे, ठीक है। और उसके जैसे कैरेबन किसी पर रैली भी करते हो तो देख कर रैली करो, कैरेबन पहुँचने से पहले आपकी रैली उसके ऊपर अटैक कर चुकी होनी चाहिए, ये नहीं कि कैरेबन चला गया फिर भी तुम्हारी रैली अभी उसके ऊपर जा ही रही है, तो ये चीज़ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ध्यान से टाइम के अकॉर्डिंग चलना है बिल्कुल ही, समझ गए, जहाँ कैरेबन जाता है वहीं फट से अपनी आर्मी भेज दो जिधर जा रहा है, समझ गए। अगर नहीं कैप्चर है तो उस पर रैली करो, रैली लीडर्स को एक्टिव रहने के लिए बोलो रैली करने के लिए, समझ गए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। तो भूलना मत संडे को लाइव आने का चांसेस ज़्यादा है मेरा, ठीक है। अब तक तो कोई ऐसा चांस टाइम नहीं आया कि मुझे कैंसिल करना पड़े, अब तक तो यही चांस है, संडे को लाइव आऊँगा ही आऊँगा, बाकी देखते हैं जैसा होगा हम बता देंगे, जैसा भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।